क्या भ्रष्टाचारियों को बचाती है बीजेपी? बीजेपी में आते ही क्यों खत्म हो जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप? ये सवाल इसलिए क्योंकि 25 में से 23 नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आ जाते हैं और उनका दामन पूरी तरीके से साफ हो जाता है। इस वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई जिसने बीजेपी और कई पार्टियों के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को चुन चुनकर टारगेट कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं से भ्रष्टाचार के आरोप हटा लिए जाते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को फौरन राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। इनमें से 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से 1-1 नेता हैं। दरअसल 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है वो विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे। विपक्षी दलों के पार्टी बदलने के बाद यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई नहीं हुई। इस सूची में शामिल 6 राजनेता तो इस लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही इसी साल बीजेपी में शामिल हुए, यानी हाल ही में। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आई तो कैसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप को धोने की कवायद बताता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गए और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद हो गए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता इस 25 नेताओं की सूची में शामिल हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4-4 नेता शामिल हैं, जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी, लेकिन वो बीजेपी में आए तो कार्रवाई बंद हो गई। तो चलिए इन्हीं में से कुछ नेताओं के बारे में भी आपको फटाफट से बता देते हैं, जो 25 नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका दामन पूरी तरीके से पाक साफ हो गया। जिसमें पहला नाम शुभेंदु अधिकारी, दूसरा नाम हिमंत बिस्वा शर्मा, तीसरा नाम अशोक चव्हाण है। दरअसल इस समय शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रतिपक्ष के नेता हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु से सीबीआई ने शारदा घोटाला मामले में पूछताछ की थी। टीएमसी आरोप लगाती रही कि जब अधिकारी टीएमसी में थे तो जांच एजेंसियां उन्हें परेशान करती थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई। वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण रहे, जिनके खिलाफ मामले अटके हुए हैं। हिमंता को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद से आदर्श हाउसिंग मामले में उनके खिलाफ जांच रोक दी गई, यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच हुई ही नहीं। बहरहाल बीजेपी के 25 नेता जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए उनमें से 25 में से केवल 2 पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। इसमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी की ओर से ढील दिए जाने का कोई सबूत अभी नहीं मिल रहा है, यानी ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत ईडी को नहीं मिला है। फिलहाल ये कोई नई परंपरा नहीं है। 2009 में
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार की सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अपना रुख बदल दिया था, जब दोनों नेताओं के सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे संबंध हो गए थे। यानी सत्ता आती रही जाती रही और सत्ता में रहते कैसे सत्ता के शहंशाह भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे, ये खेल पुराना है जो अभी तक खेला जा रहा है। फिलहाल ऐसी और खबर हम आपको बताते रहेंगे। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।